पशु योनि से मनुष्य बने, और क्या फायदा है कि मनुष्य योनि के बाद जाकर आप कीड़े बनिए। आपस का कंपटीशन धर्म में रखें, हम क्या धर्म में हैं या नहीं अपने बारे में ये सोचें, और दूसरों के बारे में ये सोचें कि वो कितना धर्म में है, हम कितने धर्म में हैं और वो कितने धर्म में है। और अगर वो अधर्म में है तो वो क्यों है, उसका कौन सा चक्र पकड़ा है, चक्र के पकड़ की वजह से, उसमें कोई और बात नहीं, निरपेक्षता से देखिए, सिर्फ चक्र पकड़ा है ना, और ये निकाल देंगे चक्र उसका भी, घर बैठे बैठे उसके प्रति सदिच्छा करके उसका चक्र हम निकाल, अगर कोई बहुत ही गई बीती चीज़ है तो छोड़िए, उसको कैंसर हो गया छोड़िए, उसको दफना दीजिए, लेकिन जिसके प्रति आपको सहानुभूति है, जिसके प्रति आपको लगता है कि वो ठीक होगा या उसका कुछ हाल ठीक कर सकते हैं, उसको आप, आपके पास है तरीके, ये प्राइमोर्डियल मूवमेंट्स हैं, उनसे आप उनको ठीक करिए, आपस में शेयर करिए, आपस के चक्र बढ़ाइए। बुरा नहीं मानना चाहिए, बिल्कुल नहीं बुरा मानना चाहिए, जिस आदमी ने बुरा मानना जाना है वो उतना ही गलत होगा जो दूसरे को दुखी करता है। बुरा मानना और दुखी करना दोनों एक ही चीज़ है, एक ही क्रिया के दो अंग हैं, इसलिए बिल्कुल बुरा नहीं मानना चाहिए। अगर कोई आपसे कहता है चक्र पकड़ा है, उसके उपकार मानना चाहिए कि भाई तूने पहचाना, मैंने नहीं पहचाना, भैया ठीक कर। अगर कोई कह दे कि तुम्हारे अंदर में यहाँ से सांप काट रहा है तो तुम उसके उपकार मानते हो, जिसका चक्र खराब हुआ उसको भी उपकार मानना चाहिए कि ये मेरा चक्र पड़ा है, बड़े उपकार, इसको निकाल दे भाई तू साफ कर, कभी बुरा नहीं मानना चाहिए। हालांकि और संसार से तो आप लोग बड़े हैं, क्योंकि आपके वाइब्रेशन आए, और दुनिया में कितने लोगों के आए, इतना बड़ा पोप है उसके भी नहीं है, मैंने देखा बड़े बड़े लोगों से आप बड़े हैं, लेकिन है तो अभी बच्चे ही ना, सहयोग में बच्चे हैं, पोप के तक तो है नहीं वाइब्रेशन, बड़े बड़े जो बने हुए हैं जिनके आगे दुनिया झुकती है, और ये शंकराचार्य है और ढमके हैं और टमके हैं, और सबके किसी के वाइब्रेशंस क्या है मालूम नहीं, और वो तुम लोग तो जागृति भी देते हो और पार भी करा देते हो, और सबकी कुंडलिनियाँ उंगलियों पे फिरा रहे हो, कितनी बड़ी बात है, गणेश जी के सिवा कोई नहीं कर सकता था पहले, इसीलिए गणेश जी के हाथ में जो वो होता है ना छोटा सा सांप, वो इसका सिंबॉलिक है कि वो सबकी कुंडलिनी घुमाते थे, अब तुम्हारे कम से कम एक तो हाथ में आ गया कि कुंडलिनी तो चला सकते हो सबकी, का है कर लो का केवड़ो मोटो झाले दामले घ्या लक्षात, हाँ ते एवढं मोठा आहे ते समावत नाही इकडे, कारण लौकिक ते नाही बघता म्हणून, अरे ते अलौकिक आहे, वो अलौकिक है, उसका कुछ ठिकाना नहीं, तोड़ फोड़ के सब ठीक करता है, जितना वो नाजुक जितना वो प्रेममय उतना ही वो संहारी है, वो तो आपके तरीके से चलने वाली, आप अपने तरीके से सिर्फ इतना चले, का है हृदय चक्र है, सगळे चक्र सोडा तुम्ही, फक्त हृदय चक्रावरती राहा, सबसे पहले हृदय चक्र को अपने ठीक करिए, हृदय अपना साफ करिए, हमारा हृदय साफ है या नहीं, हमारे मन में किसी के प्रति क्रोध है क्या, हमारे मन में किसी के प्रति कोई आशंकाएं हैं क्या, अपने हृदय को चेक, सबसे बड़ी चीज है, क्योंकि हृदय कंट्रोल करता है ब्रेन को, और हृदय ही से सारा कार्य हम लोग करते हैं, और हृदय से ही संबंध है तुम्हारा मेरा पूरी तरह, इसलिए पहले हृदय चक्र को पूर्णतया आप लोग बिल्कुल पूर्णतया साफ, हम अपनी तरह से चीज सोचते हैं कि ऐसी चीज है, हृदय चक्र की ओर कितना प्रेम हमने दिया, दूसरे को हमने कितना प्रेम दिया, दूसरे की हमने कितनी तकलीफ दी, मुझे तेरे देसाई की चिट्ठी आई, इनके लिए लिखा उन्होंने कि मेरी वाइफ की बड़ी मदद करते, मुझे बड़ी खुशी, कितनी मेरी तबीयत बाग बाग होगी सुन करके, आ तेरे देसाई की बड़ी हेल्पलेस चिट्ठी आई, मेरे वाइफ की ऐसी चिट्ठी, मैंने कहा इतने लोगों को मैंने बाल दिए, ये दिया वो दिया, वो बेचारी मर कैसे रही है,
मुझे क्या जरूरत है लंडन से वहाँ वाइब्रेशन उसको भेजने का, और तुम लोग किस दिन के लिए बनाए जो जो दूसरी चिट्ठी आए का तेना सांगू ना का, मतलब मी कुछ चवाटे और सांगना तभी तबीयत बाग बाग आपस में मदद आपस में प्रेम ऐसे बंधन में इकट्ठे हो जाएंगे हम लोग, बिल्कुल एक शरीर है, एक ही शरीर है विराट का और उसके सहस्त्रार पे विराजमान रहे हैं आप लोग, विराट के सहस्त्रार पे बिठाया है आप लोगों को और क्या कर रहे हैं पागल, विराट पुरुष के सहस्त्रार पे 1000 आदमी बिठाने के, अब दिखने को बड़ी बात लगती है, है? हाथ में वाइब्रेशंस कितनों के आए हैं, आए हैं ना, कुंडलिनी का समझता है ना, उसमें तो कोई शंका नहीं किसी को, आप लोगों को जो बड़े बड़े दंडे सन्यासी बन के घूम रहे हैं ये कहीं भी नहीं पहुंचने वाले, आप देख लीजिए सब मिसिंग लिंक में जाने वाले, और जो बड़े बड़े पदभूषित हैं ये भी कहीं नहीं पहुंचने वाले, इतनों को रियलाइजेशन दिया हमने आपको मालूम है, राजे महाराजे सेक्रेटरी सेक्रेटरी क्या किस काम के, सब अपने पद पे बैठे, किसी को लगता है कुछ क्या हमारे अंदर दीप क्यों जला है? चिट्ठियां मुझे लिखते हैं हमें बड़ा आनंद आ रहा है, आनंद आ रहा है, कोई कुछ करने को सोचता है, हमने लिया किसी और को भी बांटे, अपना विशेष स्थान जब होता है तो अपने को भी विशेष होना पड़ता है, इसी साधारण सामान्य में से ही असामान्य निकलने वाला है, वही निखरने वाला है, धीरे धीरे आपको खुद समझ में आ जाएगा कि महामूर्ख इनसे कौन बात करे, है बड़े भारी डॉक्टर क्या करा जाए, महामूर्ख है बैठे रहे अपनी जगह में, जिंदगी बिता दी इन्होंने कुछ नहीं किया, चलो चूल्हे में गए अपने क्या करना, आज तुम्हें संगत होता नाट्य, अपना स्थान बहुत ऊंचा और इस चीज का कोई एजुकेशन नहीं हो सकता, आपका कोई एजुकेशन नहीं हो सकता है कि मैं आपसे एजुकेट करूं बैठ करके ABCD सिखाऊं, नहीं होता, ये रोज के अनुभवों से आपको देखना चाहिए, और आज जो सवेरे मैंने बहुत पते की बात बताई जो आपको जाना चाहिए कि सहज योग में आप समष्टि में, व्यक्ति में नहीं, आप समष्टि में, ये पॉइंट आप जान लीजिए, अब गगनगढ़ महाराज हैं बड़े, बहुत बड़े हैं, आप लोगों से बहुत ऊंची पोजीशन पे मान लिया सब कुछ, लेकिन 21,000 वर्ष झक मारी उन्होंने बिचारों खुद कहा हुआ है, 21,000 बार जन्म लिया और परमात्मा के चरणों पे गिरे रहे और जंगलों में रहे तब जाकर के ये वाइब्रेशंस मिले उनको, और आज तुमको खट से क्यों मिल गए भाई, क्योंकि एक नया संसार है, एक नई बात है, ये विराट के शरीर के रोम रोम आप लोग हैं, वो एक सिंबॉलिक आदमी बना दिए, हो गया, उनकी बात भूलिए, आप सब समष्टि रूप में, आप में से जो भी आदमी समष्टि से हटना चाहता है वो पहले जान ले कि वो कैंसर बन जाएगा और वो खत्म हो जाएगा, कोई बुरा नहीं आप में से और कोई अच्छा नहीं बुरा, ये उंगली दुखती है ये उंगली से उसको दबाइए, ये हाथ दुखता है इस हाथ से दबाइए, आप सब आपस में जुड़े हुए हैं, आपको मालूम है आप सब आपस में जुड़े, जब आप अपने बाधाएं शेयर करते हैं तो अपना धर्म क्यों नहीं शेयर करते, बाधा तो आप पट से पकड़ लेते हैं, काय हो बोला धर लगा तुम्हें कुणाचा, ते पटकन अपन धरतो बाधा तो पट से पकड़ लेते हैं, धर्म क्यों नहीं पकड़ते, क्या वजह है, सादी वजह यह है कि अभी हम चढ़ रहे हैं, छोटे हैं बड़े हो रहे हैं, छोटे बच्चे हैं पहले थोड़े जलेंगे पहले थोड़े गिरेंगे, एक दिन जब बड़े होंगे तो अपनी उंगलियां पकड़ करके हजारों को चलाए, अब छोटे छोटे हैं
ठगे जाओगे तो कोई हर्ज नहीं, छोटे हैं ब्याह, भोलेपन मेरा। लेकिन जो ठगा रहे हैं वो अपने को बहुत अकलमंद समझ रहे हैं, तो उनको पता होना चाहिए कि कैंसर बन के निकाल दिया जाए। वो एक मार्ग और भी है, जहां जो जाता है फिर लौटता नहीं, नर्क का भी एक मार्ग है। उस रास्ते पे बहुत से लोग चलते हैं, उनको पता ही नहीं, वो सोचते हैं माता जी के सामने आओ, उनके पाँव छो, उनके पाँव धो, तो हो मैं बड़े समझ। वो भी एक मार्ग चल रहा है, साथ ही साथ सब चल रहा है। जब फूल खिलता है तो कली का जो कुछ गिरना है वो गिर जाता है और फूल खिल जाता है और उसमें से सुगंध आता है। जो कुछ पनपने का वो पनपता है, जो गिरने का वो गिरते जाता है। दोनों एक ही साथ चलता है, जीवन ऐसा ही पनपता है। जिसको झड़ने का वो जीवन अपना ही उसको गिरा देगा, जो मरने का है खत्म करने का वो कर देगा, लेकिन उनके भी स्टोरिंग का टाइम है, उसका भी स्टोरिंग का इंतजाम है। वो भी जाते हैं और कुछ कुछ तो ऐसे जाते हैं कि वहां से लौट के नहीं आते। सभी सहजियों से विनती है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके सहज को फैलाने में हमारी मदद करें। जय श्री माता जी।